चलिए हो गया आप लोग, तो आप लोग दोबारा वीडियो देखिए, समझिए, नहीं समझेगा फिर मेरे को डाउट में कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 14-15। अरे ये सब तो मैं बता चुका हूँ रे, फिर पूछ रही है वही सब। हाँ रे उषा, ये सब तुम बता चुके रे लड़की। 1-2, एक बार वीडियो तो देखो दोबारा, जो मैं बताया रहा हूँ उसको दोबारा एक बार देखो, समय में आएगा, कहीं नहीं समय में आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये दोनों दिया हुआ है ना, 14-15 राइट। तो देखिए इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-2, बोले तो -1 का पावर -1, हम इतना सारा लिखते नहीं है ना, इतना सारा लिखेंगे तो क्या फालतू में लंबा चौड़ा होगा, हम खाली इतना हल्का हल्का सॉल्व कर ले रहे हैं, तो बोलिए -1 का पावर -1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं, कि a का पावर माइनस m क्या होता है, 1/a का पावर m होता है कि नहीं, तो ये माइनस वन है, तो ये क्या हो गया, 1/-1, नीचे जाएगा तो पावर में 1, मतलब ये क्या हो गया 1/-1, कहने मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। तो हमें अब पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ना, कहाँ हमने इसको सॉल्व किया है, किसको, ध्यान से देखिए, हमने जो है किसको सॉल्व किया भाई, कि 1-2 का पावर -1 = इतना हो गया -1, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे, अब मतलब इसके जगह पे हम अब क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए इसको अब आगे कैसे करेंगे, तो अब हमारा हो गया 1-2, इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 का पावर -1। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, समझे कि नहीं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, तो -(-) क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 1+2 का पावर -1, बोले तो 3 का पावर -1, फिर यही चीज लग गया, मतलब ये हो गया 1/3 का पावर 1, कहने मतलब 1/3, ठीक है। हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व किया तो देखा कि 1 में 2 गया तो -1 आया, का पावर -1 है, हमें पता है कि ऊपर यदि पावर माइनस रहता है तो वो नीचे चले जाता है, प्लस हो जाता है पावर, तो इसी तरह -1 का पावर -1 था, ये -1 नीचे आया तो +1 हो गया, तो 1/-1, कहने मतलब -1 हो गया, क्लियर है। और तो ये कितना हो गया, 1-(-), तो 1+2 का पावर -1, तो 1+2 = 3, 3 का पावर -1, बोले तो 1/3 आंसर हो गया हमारा। अब इसको देखिए, हमने बोला है ना पावर पे जब भी पावर होता है, यानी दिस इंटू दिस, ये तीनों क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर पे पावर रहे तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो गया, 2 × -2 × -1, तो ये कितना हो गया, -1 का पावर 2 × 4 − 4 × −1 + 4, है कि नहीं, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और 2 का पावर 4, तो 1 का पावर 4 1 2 का पावर 4, कितना होगा, 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का कौन सा सी, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे मैंने किया, इसमें सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई सिर्फ किया है कि नहीं, तो पावर को मल्टीप्लाई किया तो 2 × −2 − 1, 2 × 4 और −± होता है तो 4 आ गया, तो बताइए माइनस, चूंकि हमें पता है, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिएगा, कि यदि माइनस का पावर रहे ना और ऊपर रहा सम संख्या, क्या रहा, यदि माइनस है, यहाँ नीचे लिखेगा, यदि माइनस डॉट 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 दिया है ना, और यहाँ सम संख्या दिया है, ध्यान से देखिए, कहने मतलब माइनस का यदि पावर में यदि सम संख्या दिया है वो हमेशा प्लस बाहर निकलेगा, है ना, उसी तरह माइनस का पावर यदि हमेशा यदि विषम संख्या दिया है पावर में, ऑड नंबर दिया है, विषम बोले तो ऑड नंबर, सम बोले तो इवन नंबर, तो सम संख्या दिया है तो हमेशा यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस का पावर सम संख्या है, तो माइनस का पावर सम संख्या है तो वो क्यों क्या निकलेगा, प्लस, इसलिए ये हो गया +1/16, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या हो रहा है ना, लाइव लेक्चर में जो 1 घंटा में पढ़ते थे ना, वो यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट में हो जा रहा है,
ठीक है, इसीलिए अभी एक तो ये कुछ ट्रायल बेसिस है, क्योंकि ये तो अभी सिंपल सिंपल, ये क्या है सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, आगे तो लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, तो क्या मैं हर क्वेश्चन को यहाँ थोड़े ना लिखूंगा, तो वहाँ तो श्योर है कि वहाँ लाइव लेक्चर ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं, इसे टेंशन मत लीजिए, लाइव ही चलने वाला है। 26 का क्या बोलती है, 4 आ रहा है, तो 4 नहीं क्या आंसर, 26 में क्या डाउट था, देखो 26 में क्या दिया है, 2 का पावर x इज इक्वल टू 256 है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, 2 का पावर 8, क्लियर है, और ये हो गया 2 का पावर x। अब बताओ, तो बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x = 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3। कहाँ से आएगा तुम्हारा 4, गलत था उसका, राइट है, यहाँ क्या है 2 का पावर 8 है, तो भाई पावर पावर जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, बराबर, और 8 को हमने क्या लिखा, 2 का पावर 3, है कि नहीं, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3, क्लियर है। चलिए अब हम आगे पढ़ाएंगे, आप लोग पहले इसको लिखिए।